आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा व AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व बुजुर्ग लोग घर पर ही रहे। नव भारत समाचार के संवाददाता अहमद जबारी की रिपोर्ट। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील यह है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ हैं उनको हम रोके कम से कम एक जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा ना खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकाल कर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात, काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते तो लोग घर से ही अपने वजू कर कर आए, और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो, या टर्की हो, या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंडा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले। मगर दूसरे जो 4 चीज़ें मैं कहा हूँ उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी, और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक हैं, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और फलवी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन थे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कौन थे। ये मेरे एहसास हैं, और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं।